तो कंपटीशन कोई नहीं है इस गाड़ी का, दूर तो दूर जो जो टोयोटा पैसा मांगेगी उतना आपको देना पड़ेगा। चलता फिरता किसी चौराहे पे खड़े हो जाइएगा कि ये गाड़ी सेल करनी है, अगर दो घंटे में गाड़ी ना बिके तो टोयोटा कंपनी वापस ले जाएगी। इस गाड़ी को पुलिस वाले रोकते नहीं जल्दी से, और दो चार बार तो ऐसा हुआ है कि टोल के ऊपर भी मैंने टोल पे नहीं किया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर, और ये है मेरे साथ टोयोटा की फॉर्च्यूनर और ये है गौरव यादव। 2021 पहली फॉर्च्यूनर ली थी भैया आपने? बिल्कुल भैया। कितने हजार किलोमीटर चला चुके हो? 30,000 किलोमीटर। तो इन सब इनका चेहरा आप सब जानते हैं और इनसे भली भांति परिचित हैं, तो कैसा लग रहा है भैया अभी चलाने के बाद इसे? अच्छा लग रहा है भैया, 30,000 चलाने के बाद मन कर रहा है एक और खरीद लें फॉर्च्यूनर ही। तो इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ कि भैया को माइलेज क्या मिला है, कितने घर तक डीजल डलवाया है, कितना सर्विस करवा चुके हैं, इनको दुख और सुख क्या क्या मिले हैं और कहाँ कहाँ ये गए हैं, तो सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। और फिर आप ये भी क्लियर कर लोगे कि अब आपको फॉर्च्यूनर लेना है या नहीं। गलत बोल रहा हूँ गौरव? बिल्कुल भैया, क्लियर हो जाएंगे ना सब? बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को जो कि है गौरव यादव के साथ, और ये 1 साल के बाद में आ रहा है। चले आ जाओ। तो गौरव भाई बोले थे आप एक और खरीद लोगे? हाँ यार, जो दूसरी गाड़ी है मेरे पास में उसकी मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा है कि उसको चलाने के बाद लग रहा है कि यार एक और फॉर्च्यूनर खरीद लें तो कोई नुकसान होगा नहीं उस गाड़ी के। तो उसमें बांध के चलाओगे इसे, क्या करोगे? नहीं मतलब घर में दो गाड़ियों की जरूरत है, तो मिनी कूपर है, उसकी सर्विस काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि उसका मज़ा अलग है भाई उस गाड़ी को चलाने का। नहीं, उसका कस्टमर रिव्यू बाद में करेंगे, अभी हम इसी पे जो है चिपके रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपने खरीदा था उस टाइम से लेकर अब तक जो आपने 30,000 किलोमीटर किया है, कहाँ कहाँ की जर्नी की? यार मैं खरीदते ही तो गोवा गया था, उसका एक वीडियो भी किया था मैंने। 5,000 किलोमीटर के आसपास की ट्रिप करके आया था मैं गोवा में, और माइलेज टेस्ट ही किया था मैंने उस ट्रिप के लिए। और उसका छोटी मोटी ट्रिप्स लगी हैं काफ़ी, अभी मैं लेटेस्ट जो गया था शिमला लेकर गया था इस गाड़ी को, और बाकी तो नॉर्मली चली है, गुड़गांव दिल्ली में ही चली है गाड़ी। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कैसा? बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चली है गाड़ी काफ़ी। माइलेज में बताऊं तो बम्पर टू बम्पर में 9 के आसपास की माइलेज देती है ये गाड़ी। अच्छा, 30,000 किलोमीटर में वो मोमेंट कौन से थे जहाँ पे मन किया कि काश इसे ना खरीदा होता? 30,000 किलोमीटर में अभी तक तो नहीं आया है, मतलब कोई ऐसा मौका ही नहीं आया है अभी तक, कोई ऐसा मौका नहीं आया है कि मुझे लगे कि यार इसको ना खरीद के दूसरी गाड़ी खरीदता। अच्छा, हाँ जी। जैसे इसका सस्पेंशन वगैरह है, बोलते हैं बहुत सारे लोग झूला गाड़ी है, बहुत सारे लोग बोल देते हैं, ठीक है, कि मतलब ये जब निकलते हो तो पूरा का पूरा हिला के रख देती है। हाँ। तो आप फील करते हुए आपको लगता है कि यही उसका मजा? मैं आपको बताता हूँ अमित जी, क्या है कि ये गाड़ी है 7 सीटर, 7 लोग जब इसमें बैठेंगे तो इस गाड़ी के सस्पेंशन के ऊपर लगभग 400 से 500 kg वेट ऐड हो चुका होगा। अच्छा, हाँ। तो 500 kg वेट ऐड होने के बाद जो सस्पेंशन जो काम करेंगे इसके, और अकेले चलाता हूँ जब जो सस्पेंशन काम करते हैं उसमें एक डिफरेंस आएगा राइड के अंदर। आप कोई भी गाड़ी आप देखें, अगर उसमें 500 kg वेट रखने के बाद अगर आप चेक करेंगे कि भैया सस्पेंशन सेटअप कैसे काम कर रहा है, तो वो बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा अगर अकेला ड्राइवर चला रहा है, तो वो इसमें डिफरेंस है। अच्छा, दूसरी मुझे भी लगता था कि अरे काफ़ी बाउंसी राइड है इस गाड़ी की, काफ़ी कुछ ये है वो है, तो अगर 3-4 लोग बैठे तो फील नहीं होता। दूसरा, हम टायर प्रेशर पर ध्यान नहीं देते हैं गाड़ी के ऊपर, इसका रिकमेंडेड टायर प्रेशर है 28 PSI का, और लोग नॉर्मली डलवाते हैं 33, तो वो एक बड़ा डिफरेंस है। अगर वो आप टायर प्रेशर चेक करके चलेंगे तो फॉर्च्यूनर की राइड आपको बाउंसी नहीं लगेगी, जो रिकमेंडेड है उसके ऊपर गाड़ी को चलाइए। हालांकि थोड़ा सा अकेला बैठा हूँ तब मेरे को फील होता है कि यार और कंफर्टेबल, क्योंकि एंडेवर की जो राइड क्वालिटी है ना उस मामले में काफ़ी अच्छी है, बट 7 लोग बैठने के बाद इसकी राइड क्वालिटी अलग लेवल की हो जाती है। तो 7 लोगों को बिठा के कभी चलाया? 7 लोगों को बैठा के काफ़ी बार चलाया, दोस्त यार अगर कहीं चले गए, मैच खेलने से चले जाते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, या कभी एक दो ट्रिप करके आए हमें दोस्तों के साथ बाहर वाली, तो 7 तो नहीं बट 5 लोग बैठ के गए थे इसके अंदर। तो उसकी राइड क्वालिटी में और अकेले चलाता हूँ उसकी राइड क्वालिटी में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है जो दिखाई देता है। आपकी आधी क्रिकेट टीम आपकी गाड़ी में बैठ जाती है, कभी बिठाया आपने? नहीं, 4-5 लोग ही बैठ के जाते हैं हम, तो मतलब विकेट कीपर वगैरह बिठा लेते हो बस? किट्स सारे ऑलराउंडर बिठाते हैं, किट्स रहती हैं, दिक्कत ये है किट्स ज़्यादा होती हैं, तो बूट स्पेस में इतना स्पेस नहीं है कि भैया 3-4 किट आ जाएँ, तो 3rd रो को फोल्ड ही करना पड़ता है, तो 5 लोग बैठ कर और 5 क्रिकेट की किट के साथ में हम आराम से जा सकते हैं। ओके, तो आप शुरू में माइलेज का जिक्र कर रहे थे, हाँ जी, तो कितना माइलेज आपको मिला है 30,000 किलोमीटर में, मतलब कितना तेल डलवाया होगा आपने टोटल? मैं लगभग 30,000 किलोमीटर में बताऊँ तो कुछ 3 लाख रुपए के आसपास का मैं तेल डलवा चुका हूँ। अच्छा, और माइलेज आई है 10.5 की। और जब नेक्स्ट टैंक करवाता हूँ तो 10 के आसपास की माइलेज मुझे दिखाई देती है, 9.8, 10।
11 के आसपास ही, और कभी लंबे रूट पर जाता हूँ हाईवे के ऊपर ओपन रोड्स के ऊपर, तो 11-11.5 की माइलेज आराम से निकाल देती है गाड़ी। अब आप बाजार में इसका सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं जब ये चली गई है एंडेवर? उसको एंडेवर के जाने का को दुख हुआ आपको भी, कोई लगा कि आपके एक मुकाबला कम हो गया इससे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ एक दुख ये हुआ है कि एंडेवर कंपटीशन खत्म हो गया है, तो अब टोयोटा भी टाइम लगाएगी कि इसको अपडेट करेगी इंडिया में, तो काफ़ी आराम से करने वाली है। अगर कंपटीशन रहता तो टोयोटा भी इसके अंदर और फीचर्स ऐड करती। गाड़ी मैंने लास्ट ईयर ली थी, उसके लेने के बाद इस गाड़ी की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपये बढ़ चुकी है एक साल के अंदर अंदर। अच्छा, कॉम्पिटिशन खत्म हो गया है, अभी फिर 1 मार्च के आसपास, फिर 1 अप्रैल के आसपास कंपनी इसी कीमतों को बढ़ाने वाली है। तो इस लिहाज से अगर आप इसे बेचोगे तो आपको जो आपने खरीदा था उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा? उससे ज़्यादा मेरे को बिल्कुल मिलने वाला है, क्योंकि 2.5 लाख रुपये एक्सशोरूम में इंक्रीज होने का मतलब है ऑन रोड में लगभग 3.5 लाख का डिफरेंस आ गया है। अच्छा। और अगर 1-2 साल मैंने रख ली तो कहीं ना कहीं 8-10 लाख का डिफरेंस होने वाला है। तो जितनी खरीदी थी उतने की तो मैं बेच ही दूंगा इस गाड़ी को। ये टोयोटा का लेने का एक बेनिफिट है। हाँ। बट अब कॉम्पिटिशन खत्म हो गया है तो फीचर्स मिलने अब बंद हो जाएंगे। काफ़ी सारी ऐसी कमियाँ हैं इस गाड़ी के अंदर जिनको मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी देनी चाहिए कंपनी को, जैसे वायरलेस चार्जर नहीं है 4x4 वेरिएंट के अंदर। उसके अलावा छोटे छोटे काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो मिसिंग है इस गाड़ी के अंदर से। अब सबसे ज़्यादा बड़ा फीचर कौन सा जो आप मिस करते हो, आपको लगता है कि इसमें होना चाहिए? सीट में मेमोरी फंक्शन। होता क्या है कि अब जो ड्राइव करते हैं गाड़ी को, तो ड्राइवर को जो फीचर्स चाहिए, एज एन मैं अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए वेंटिलेटेड सीट्स आ गई हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आ गई सीट के अंदर, हाइड्रोलिक अपना क्या बोलते हैं टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील है, पेडल शिफ्टर्स हैं, डिस्प्ले वगैरह सब कुछ है मेरे लिए एक ड्राइवर के लिए जो उसको चाहिए। बट कई बार ऐसा होता है कि कोई और चला रहा है, मैं जाके मानो को पैसेंजर सीट पे बैठ गया और जब मैं वापस आके बैठता हूँ तो पता लगता है यार सीट की जो एडजस्टमेंट मैंने की हुई थी मेरे कम्फर्ट के हिसाब से वो बिगड़ चुकी है। तो उसको बार बार काफ़ी देर काफ़ी किलोमीटर चलाने के बाद उसको हम सेट कर पाते हैं कि यार अब ठीक है, अब कम्फर्टेबल, अब नहीं है। तो अगर मेमोरी फंक्शन हो तो बहुत ही अच्छा फीचर होगा इस गाड़ी के लिए। अभी तक आपके परिवार में बहुत सारे लोगों, जैसे आपका बेटा था लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि उसे पसंद नहीं आ रही थी वो चूल्हा। हाँ जी। तो अब एडजस्ट हो गया इसके कंफर्ट के साथ? नहीं, वो अभी भी बोलता है कि मुझे थर्ड रो में जाना है तो सीट को फोल्ड करके और करके जाना पड़ता है। अगर इसमें 6 सीटर वर्जन हो, पीछे जो मिडिल रो की सीट्स हैं उसमें अगर कैप्टन सीट का ऑप्शन हो तो ठीक है, बढ़िया रहेगा। बट अब वो इस सेगमेंट की ग्लोस्टर में तो आता है, उसके अलावा शायद एंडेवर में भी नहीं आता था, अल्टुरस के अंदर भी शायद नहीं आता है वो। नहीं आता तो वो एक कमी है और वो रहेगी हमेशा। अच्छा, सर्विस कितनी हो चुकी है? सर्विस इसकी 10,000 पे हुई थी, 20 पे हुई थी, 30 पे होने वाली है। अच्छा, एक और जो कमी तो नहीं बोलूँगा मैं, बट इसके अंदर एड ब्लू डलता है। अगर आप देखेंगे नोटिफिकेशन आ रहा होगा कि 260 किलोमीटर में एड ब्लू टॉपअप करवाओ। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है, कैरी करके आप चल नहीं सकते क्योंकि ख़राब हो जाता है वो बहुत जल्दी और आपको जाना ही पड़ेगा। मैं नॉर्मली टोयोटा की डीलरशिप पे जाता हूँ, सर्विस सेंटर पे जाता हूँ एड ब्लू डलवाने के लिए, तो वो एक एक्स्ट्रा विजिट हो गई है। अच्छा। हर 4,000-5,000 किलोमीटर पर आपको टोयोटा की सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा एड ब्लू टॉपअप करवाने के लिए। अच्छा, तो वो एक कमी लगी। दूसरा एक, इसके अंदर बार नहीं है, आप ये नहीं चेक कर सकते कि कितना लेवल बचा है एड ब्लू का, क्योंकि नॉर्मली काफ़ी सारी गाड़ियां हैं कंपास वगैरह उसमें एक बार आ जाता है कि एड ब्लू का ये लेवल है। इसमें एकदम से नोटिफिकेशन आएगा कि यार 3,000 या 2,000 किलोमीटर खत्म होने वाला है। अच्छा, तो वो बार भी इसमें ऐड किया जाए तो बढ़िया रहेगा। ओके, तो ये सारी दिक्कतें। तो अभी तक कितना खर्चा किया आपने बताया एग्जैक्टली सर्विस के ऊपर हुआ होगा? अभी तो जो फर्स्ट और सेकंड सर्विस थी वो तो फ्री थी, उसमें लेबर का कोई चार्जेस नहीं लिया कंपनी ने, तो 3,500-4,000 रुपए के आसपास एक सर्विस का कॉस्ट आया। तो 30,000 किलोमीटर में चला चुका हूँ, टोटल मैंने 10,000-12,000 रुपए खर्च किया होगा सर्विस के ऊपर। कोई बड़ा काम हुआ गाड़ी में? गाड़ी में कोई काम नहीं हुआ अभी तक, अब होने वाला है। डिस्क पैड्स वगैरह शायद चेंज होंगी, ऑल 4 टायर्स में डिस्क ब्रेक है, तो अब की बार शायद सर्विस इसकी ज़्यादा रहने वाली है और लेबर कॉस्ट भी 4,000 के आसपास आई टोयोटा ने कर दी है, तो देखते हैं कितनी आती है। तो जितना आप खुश हो उससे देख लग नहीं रहा है कि आप इसे चेंज करने वाले हो? इसको नहीं चेंज करने वाला, इसको तो मैं चेंज नहीं करने वाला। हाँ, जो दूसरी गाड़ी है उसको शायद मैं जरूर चेंज करके एक और टोयोटा खरीद लूँगा। अच्छा, क्योंकि इस गाड़ी को लेकर निकलते टाइम ना ये झिझक नहीं होती दिमाग के अंदर कि कौन से रोड के ऊपर जाना है, मौसम देख के नहीं निकलना पड़ता कि अब कहीं ऐसा तो नहीं बारिश आ जाए मैं फंस जाऊँ पानी के अंदर, गाड़ी मेरी ख़राब हो जाए, या कहीं खेत के अंदर जा रहा हूँ मानो कच्चा रास्ता है, 4x4 वेरिएंट लिया है, 2-4 बार ही यूज करना पड़ा है 4x4 जब गाड़ी कहीं फंसी है। बट ऐसी गाड़ी है कि सोचना नहीं पड़ता निकालते समय, और चलाते समय लगता नहीं है कि यार बहुत बड़ी गाड़ी आप चला रहे हो, बिल्कुल एक स्विफ्ट जैसी फीलिंग आती है इस गाड़ी को चलाते। अच्छा, लीडर वाली फीलिंग आती है इसमें जो नेताजी लोगों की गाड़ी बन गई थी फॉर्चुनर, या वो चेंज हो गया है? यार वो तो है, वाइट कलर की गाड़ी ली है मैंने, काफ़ी सारी चेक पोस्ट के ऊपर गाड़ियों को रोका जाता है, बट इस गाड़ी को
पुलिस वाले रोकते नहीं जल्दी से, और दो चार बार तो ऐसा हुआ है कि टोल के ऊपर भी मैंने टोल पे नहीं किया है, मतलब फास्टैग लगा हुआ है, कई बार बैलेंस नहीं होता तो निकाल देते हैं। अच्छा, तो ये एक एडवांटेज रहता है फॉर्चुनर के साथ में, और अगर वीआईपी नंबर है तो थोड़ा सा एडवांटेज ज़्यादा हो जाता है। बहुत बढ़िया, 000 है इसके नंबर के अंदर, तो थोड़ा सा बेनिफिट मिला है दो चार बार। तो कुल मिलाकर अभी आपके पास रहने वाली है, कुछ और चेंज नहीं होने वाला है? हाँ, ये तो रहने वाली है, और एक और अगर आ जाए तो। तो एक साल में 30,000 किलोमीटर कुछ ज़्यादा हो गया, बट अच्छा है, मतलब हाँ, रनिंग 80-90 के आसपास मेरी हो रही है डेली के आसपास, फार्म पे जाना होता है तो अच्छा निकल जाता है उतना किलोमीटर। तो दोस्तों, ये थे गौरव यादव जो कि चला रहे हैं टोयोटा की फॉर्च्यूनर, और इनका पहला कस्टमर रिव्यू आपने देखा था जब इन्होंने खरीदा था। ये इंडिया की पहली फॉर्च्यूनर है जो 2021 में आपको मिली थी, गलत? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इन्होंने बड़े खुशी खुशी चलाया है और अपनी बात को बड़ी बुलंदी के साथ में रखा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदते हैं अभी भी, तो आने वाले टाइम में हो सकता है जिस कीमत में आप खरीदें उससे ज़्यादा पे बेच दें, और अगले साल इसका नया जनरेशन शायद आएगा, उसमें हो सकता है सनरूफ आए, पैनोरमिक सनरूफ आए उसके अंदर, और जो छोटी मोटी कमियां हैं वायरलेस चार्जर, टाइप सी चार्जर जैसे नहीं दे रखे इसमें पीछे वाली रोज के ऊपर, वो सारी कमियों का शायद कंपनी, हाँ वो करना ही पड़ेगा, जब वीडियो देखेंगे तो उनको करना ही पड़ेगा, उनके पास कोई उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो बदल देंगे। ऑप्शन हमारे पास नहीं है क्योंकि फोर्ड एंडेवर अब हो गई बंद, ठीक है ना, तो अब कंपटीशन हो गया खत्म, ऑल्टुरस आ रही है बुकिंग के ऊपर, तो कंपटीशन कोई नहीं है इस गाड़ी का, दूर, तो दूर, जो जो टोयोटा पैसा मांगेगी उतना आपको देना पड़ेगा, और जितना आप टोयोटा को देंगे उससे थोड़ा 20-30% कम आप हमें देके भी पुरानी गाड़ी खरीद सकते हैं, मतलब रीसेल वैल्यू बढ़ेगा। मतलब देखा जाए तो अनऑफिशियली आप इसको कोई लेना चाहेगा अच्छा पैसा दे देगा तो अभी नहीं, मतलब 2-4 साल के दे देंगे, मतलब फायदे जितने की आई अगर उतने की निकल जाए 2-3 साल। लोगों के लिए गाड़ी क्या है, इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो चलने का एक माध्यम होता है। अगर आप टोयोटा खरीदेंगे तो इन्वेस्टमेंट है भैया, चलता फिरता किसी चौराहे पे खड़े हो जाइएगा कि ये गाड़ी सेल करनी है, अगर 2 घंटे में गाड़ी ना बिके तो टोयोटा कंपनी वापस ले जाएगी तो दोस्तों, ये थी एक बुलंद आवाज गौरव यादव की तरफ से, इनका अपना चैनल है गाड़ीवाड़ी.com, बुलंदी के साथ में एक्सक्लूसिव खबरें लाते रहते हैं, और कैसा लगा आपको बताइएगा, साथ में कुछ और पूछना चाहते हैं जुड़ना चाहते हैं तो गौरव यादव का मुझे लगता है आपका अकाउंट सबके पास में होगा, इंस्टाग्राम पे, हाँ सब कुछ होगा, सब पूछ लेंगे, तो गाड़ी भी जाके पूछ, तो मुझसे मत पूछना, गौरव भाई से पूछ लेना, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। कल फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, थैंक यू गौरव भाई, थैंक यू।